आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। गठबंधन अच्छे से करना, कसकर बांधना है ना, इनके आगे के जीवन की खुशहाली के लिए। अब आरती शुरू कर सकते हैं। रुकिए, इस कुलक्षणी से आरती मत करवाइए। ये देखिए इसकी हरकतें। अरे ऐसे लोगों के कारण ही बहन हमारा समाज खराब हो रहा है। इसे तो बहन पत्थर मार मार के निकालना चाहिए। सही कह रही है। मारो इसे। चलो निकले यहाँ से। रुकिए आप लोग। क्या बात है, आप लोग इसे क्यों मार रहे हैं? देखिए ये धंधे वाली है, क्या छपा है अखबार में। आप लोग जो कह रहे हैं इसमें वही लिखा है, अब तो इसे मारना चाहिए। रुकिए, सबसे पहले वही मारेगा जिसने स्वयं अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। जिसका मन बिल्कुल शुद्ध है। वैसे एक बात बताइए, यदि कोई आपका नाम लेकर कोई ऐसी खबर छाप दे तो क्या आप भी चरित्रहीन हो जाएंगी? आप लोगों ने ये सूचना तो पढ़ ली, किंतु न्यायालय ने जो इसे निर्दोष साबित किया उसे कौन बताएगा? दूसरे पर उंगली उठाने से पहले आप स्वयं के अंदर झांक कर देखिए कि आपका मन कितना शुद्ध है। चाची जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप लोग क्यों चुप हैं? बोलिए, दीजिए ना जवाब। आप नहीं जानते पर मैं जानती हूं कि ये लड़की कितनी पवित्र है, इसका मन कितना शुद्ध है। बुद्धि माँ बात तो वैसे सही कह रही है। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर छुपे राक्षस को मारिए, जो आपके विवेक को नष्ट कर देता और उल्टी सीधी बातें सोचने को विवश कर देता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे ख्याल से हमें अंदर चल के पूजा करनी चाहिए। बहन अगर तुम्हें ठीक लग रहा हो तो तुम ही माँ की आरती करो। संतोषी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे मन में माँ के लिए सच्ची भक्ति है, पर अभी तुम्हें इलाज की जरूरत है। माँ भी नहीं चाहेगी कि उनकी भक्त तकलीफ में रहे। आप लोग अंदर जाके पूजा कीजिए, हम यहाँ इस बच्ची के साथ हैं। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल एक माँ की तरह संतोषी की रक्षा की आज। हाँ अम्मा, हम जब भी संकट में होते हैं पता नहीं कैसे आप हमारे पास चली आती हैं और ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। बिना आशीर्वाद लिए तो नहीं जाने देंगे आपको।
तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। खैर तुम जाकर संतोषी का इलाज कराओ ताकि इसकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। जी। चलो संतोषी, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं, इतनी ज्यादा नहीं लगी है, हल्दी का लेप लगाएंगे तो ठीक है। आओ, अब तुम यहाँ आराम से बैठो, ठीक है? बबली, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। अब तुम जा सकती हो। चिचू, आप कैसी बातें कर रहे? मैं दीदी को ऐसी हालत में छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती। इनफैक्ट मैं अभी किचन में जा रही हूँ दीदी के लिए हल्दी का लेप लेने। तुम रहने दो, रुको यहाँ पे, मैं लेप लेके आता हूँ, ठीक है? तुम ये रुको। हमने आपको बहुत परेशान कर दिया ना। लगता है तुम्हारे सर में चोट लगने से ना तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया। क्या तुम कभी मुझे परेशान कर सकती? क्या तुम्हारी केयर करना मेरे लिए तकलीफ हो सकती है? दो मिनट रुको, मैं आता हूँ लेप लेके। आप दोनों कितने क्यूट हैं। दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सारा काम कर दूंगी और खाना भी बना दूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। दीदी कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी शक्ल देखिए, कितना खून बहा है। नहीं 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 नहीं, आप कोई काम नहीं करने वाली। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आज रात को यहीं रुक जाऊं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। परेशानी होगी। मतलब मेरा कि तुम अगर घर नहीं जाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता होगी कि मेरी बेटी घर नहीं आई है, उनको परेशानी होगी। तेरे की ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ दीदी, मम्मा हमारा वेट कर रही होंगी, ठीक है तो हम घर जाते हैं। जीजू लेकिन आप दीदी का ख्याल रखना, ओके? हाँ दीदी, ध्यान रखना, मैं कल आती हूँ, ओके? बाय। संतोषी, ये बबली कुछ ज्यादा हमारे घर नहीं आ रही? हाँ आती जाती रहती है, यहाँ पे बोर होती है ना, इसीलिए बोल रही थी वो। लेकिन आज आपको ऐसे परेशान देख रही थी ना। अरे मेरा मतलब, खैर रहने दो। ये बताओ ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा वो सही टाइम पे माँ जी आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सिर्फ और सिर्फ उस बुढ़िया की वजह से सारा काम बिगड़ गया, वरना आज वो दोनों इस शहर से बाहर होते। अब तुम सोचो ना कि क्या करना है। स्मार्ट लोग ज्यादा सोचते नहीं है मॉम, बल्कि उनके प्लान्स पहले से ही रेडी रहते हैं। और मैंने अपने प्लान पे काम करना शुरू भी कर दिया है। कौन सा प्लान? बहुत अच्छी है वो। अच्छा तुम माजी को क्या पहले से जानती हो? नहीं ऐसे तो नहीं जानते, लेकिन हम जब भी तकलीफ में होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से चली आती है वो हमारी मदद करने। गौ माता, धरती लोक से लौटने के बाद हमें इस बात का विश्वास हो गया है कि नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो गई हैं। देवऋषि सत्य कह रहे थे कि ये नकारात्मक शक्तियाँ देवी पौलमी की ही हैं। माते, किंतु ये कैसे संभव है? ब्रह्मदेव ने स्वयं उन्हें दंडित किया था। आपकी बात सत्य है गौ माता, किंतु नकारात्मक शक्तियाँ देवी पौलमी से जुड़ती दिख रही हैं। माते यदि ऐसा है तब तो ये शक्तियाँ अत्यधिक हानि पहुँचाएंगी। हमें इसका हल ढूंढना होगा, अन्यथा ये शक्तियाँ अलग अलग रूप धारण कर संतोषी को कष्ट पहुंचाएंगी। अच्छा संतोषी, वो औरत जो पेपर की कटिंग लेके आई थी, क्या तुम उसको जानती? नहीं, आज से पहले उसको देखा भी नहीं, ना दोस्ती है ना दुश्मनी, पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों किया उसने।
ये उसने नहीं किया, उससे किसी ने करवाया। और ये किसने करवाया ना, मैं ये भी जानता हूं। वाह अंकुर वाह, क्या प्लान बनाया। अब धैर्य और संतोषी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बदला लेने का ये जाल तुमने बुना कैसे? ये मैं आपको तब बताऊंगा मॉम, जब मछली जाल में फंस जाएगी। कौन था क्या था ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने काम के बारे में। और तुम्हें भी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। देखो क्या हालत हो गई तुम्हारी, तुम खाती पीती नहीं हो क्या, कितनी कमजोर हो गई हो। ख्याल रखो अपना और सुनो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना काम करने के लिए। हाँ अगर दादा बोर फील कर रही हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए किताबें ले आऊंगा, वो पढ़ लेना। किताबें? हाँ वैसे हमें ना प्रेम की कहानियां ज्यादा पसंद है, वही लेकर आइएगा। प्रेम कहानियां? अच्छा ठीक है, मैं भी काम के लिए निकलता हूँ। तुम्हारे प्रेम कहानी के चक्कर में ना मेरी नौकरी चली जाएगी। हम भी ना जल्दी जाइए वरना देरी हो जाएगी। अच्छा तो तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी नौकरी से प्यार है, इसीलिए तो एक बार मैं कहती हूँ जाइए, चले जाइए। आपको बस हमारी खिंचाई करने का बहाना चाहिए। नहीं नहीं, बहाने तो मुझे और भी चीजों के लिए चाहिए होते हैं। वो क्या? आ जाओ बबली। क्या? एक 1000 सोलर पैनल का ऑर्डर और 50,000 टोकन एडवांस में बोलू। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कॉल करके पता करता हूँ। क्रॉस चेक 216852। लगता है मछली जाल में फंस गई मॉम। वन सेकंड। हेलो। हाँ जी मैं धैर्य बोल रहा हूँ, पारस एंटरप्राइज है जी। आपका ऑर्डर मिला हमें कुछ 1000 सोलर पैनल्स के, आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं? आपकी कंपनी नॉर्मल साइज के सोलर पैनल्स बनाती है राइट? लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट लार्ज साइज की है, वो भी 1000 पीसेस। देखिए अगर आपको बड़े साइज का सोलर पैनल चाहिए तो थोड़ा वक्त लगेगा। वो क्या है कि वो स्टॉक में नहीं है और हमें थोड़ा वक्त लगेगा अरेंज करने में, ताकि हम आपका जो ऑर्डर है वो पूरा कर पाए। अगर आप टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाए तो मैं ऑर्डर किसी और कंपनी को दे दूंगा, दैट्स फाइन विद मी, सो बी श्योर। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, ये जो आपका ऑर्डर है वो हम ही पूरा कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। इनफैक्ट मैं अपने बॉस से भी बात करता हूँ, आई विल गेट बैक टू यू। ओके। तीर निशाने पे लगी गया मॉम। अब धैर्य को एक मिनट का भी समय मत देना सोचने के लिए। हम अब भी सोच रहे हैं कि ये सब तुमने किया कैसे। मॉम एक्चुअली आपसे बात करने से पहले ना, मतलब 50,000 के दाम पर धैर्य जहाँ काम करता है उस कंपनी को तुमने करोड़ों का नकली ऑर्डर दे दिया। इतना बड़ा ऑर्डर तुमने क्रॉस चेक किया? जी पारस जी, मैंने क्रॉस चेक किया है, पार्टी जेन्युइन लग रही है। थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था और उन्होंने हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये डलवा दिए एडवांस टोकन के नाम पे। ऑर्डर तो काफी बड़ा है, इससे तुम्हें अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिल जाए, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कैसे होगा? महाराज जी फाइनेंस आप संभाल लीजिए और सोलर पैनल से प्रोडक्शन करना जो जिम्मेदारी वो मुझे दे दीजिए, हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है पर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप ही सोचिए, ये एक ऑर्डर से आपकी कंपनी की पूरी जो एनुअल टर्नओवर है वो बदल सकती है। ओके लेट्स डू इट। Oh!
पॉसिबल तूने उसको डरा ही दिया था। भैया बिजली के तार से आप गिल्ली डंडा खेल रहे क्या? गिल्ली डंडा नहीं है उज्जवल, मैं इस बिजली के तार को इस कपड़ों के रॉड पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और किस लिए? देख मधु हमेशा अपना गीला टॉवल यहीं सुखाती है, इस बार जब सुखाएगी तो उसे बिजली का झटका लगेगा और उसके बाद क्या होगा तू अच्छी तरह जानता है। वाओ, कपड़े सुखाने के बार से वार। वाओ भैया क्या मस्त आइडिया निकाला, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि बार पे वायर गिरी कैसे। इस बार हम कामयाब जरूर होंगे उज्जवल, जरूर कामयाब होंगे। ए बड़की भावजी, तुम यहाँ कहाँ आ गई हो दूध फाड़ने के लिए, हैं कहीं तो चैन से रहने दिया करो। ओए माधुरी, हैं तुम भी नहीं यहाँ क्यों ले आई, हैं अकल के घास चढ़ने गई थी तुम्हारी? ताई जी को मॉम नहीं मैं लेकर आई। अच्छा अच्छा तुम लाई हो, पहले बता दिया होता, हमें लगा जी खुद यहाँ आई है हमारे सिर पे तांडव करने। गुड्डू ताई जी का सामान उठा और पापा के कमरे में रख दो। चलो निकले, आज ही तुमने हमारा ही कमरा हड़प लिया। छोटे मुंह संभाल के बात करो, हमें तुम्हारी बहू लाई। हाँ स्वीटी जरा यहाँ। ये क्या है स्वीटी, ये खानदान को क्यों उठा लाई? जी प्रणाम। अब ना आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से रहिए, हम यहाँ आ गए। आप भी आराम से रहिए, आप ही का तो घर है। क्या हुआ? ये लीजिए, कुछ खुशखबरी सुनाने वाले थे ना। हाँ आज भूख बहुत जोर की लगी है, खाते खाते सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है। चम्मच ये ले लीजिए। तो आज हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। अच्छा तो इससे कोई फायदा होगा? फायदा? अरे बहुत फायदा होगा, अब तुम देखना कैसे मैं जल्द से जल्द ना अपना बिजनेस खड़ा करता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। खाना गरम ही अच्छा लगता है, गरम गरम खा लीजिए, बातें तो बाद में कर लेंगे। तुम क्यों नहीं खा रही, तुम भी खाओ। हाँ खाते हैं। क्या हो संतोषी, तुम खुश नहीं लग रही? हो ही ना, खुशी क्यों नहीं होगी, आपकी तरक्की से तो खुशी होगी हमें। लेकिन हमें क्या लगता है ऐसे आसानी से आने वाला पैसा अच्छा नहीं होता। तुम क्या बोल रही हो संतोषी, ये बिजनेस है और बिजनेस में ना किसी की भी किस्मत कभी भी चमक सकती है, और वैसे भी बहुत टाइम के बाद मुझे ये मौका मिला और मैं दिखाता हूँ उस अंकुर को और मधु भाभी को उनकी औकात क्या है। ऐसे मन में बदले की भावना रखना अच्छा नहीं होता, खुद का ही नुकसान होता है। ये तो मुझे कह रही हो जबकि तुम ये जानती हो कि ये सब की शुरुआत उन्होंने की थी, मैं तो बस खत्म करना चाहता हूँ। ये क्या हो रहा, कल तक संतोष के साथ रहने वाले धैर्य सर में बदले की भावना कहाँ से आ गई?
मैं अपना बदला लेकर आऊंगा। संतोषी, तुम मुझे समझने के बदले तुम मुझे समझा रही। सारा मूड खराब कर दिया मेरे। नहीं खाना है यार, तुम खाना खाओ। धैर्य सर, अचानक क्या हो गया है?